हाउ आर यू क्लास सेकंड, वेलकम टू खेतेश्वर यूट्यूब चैनल। आज अपन पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी की क्लास में अपना चैप्टर फर्स्ट चल रहा था, कौन सा चल रहा था? पार्ट फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट। इसके अपन ने क्वेश्चन आंसर जो थे वो कर लेते आज, सॉरी इसके अपन ने फिलिंग द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान, पर्यायवाची, सब शब्दार्थ वगैरह वो सारे कर लेते। आज अपन करेंगे क्वेश्चन आंसर। क्या करेंगे अपन? क्वेश्चन आंसर। तो अपने चैप्टर का नाम क्या था? काश मेरे पंख होते। क्या नाम था अपने चैप्टर का? अगर मेरे पंख होते। चैप्टर का नाम क्या था? अगर अगर मेरे पंख होते। क्या होते? पंख होते। अगर मेरे पंख होते, चैप्टर वन, अगर मेरे पंख होते। इस चैप्टर में क्या है? एक पोयम है जो बच्चा क्या करता है, अपनी कल्पना करता है कि अगर मेरे पंख होते तो मैं क्या करता। आज डेट क्या है? आज डेट है 14 जुलाई 2017। डे आज ट्यूसडे। ट्यूसडे को क्या बोलते हैं? मंगलवार। ठीक है, आज अपन पढ़ इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और आज अपना ये चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट। तो अपन इसकी क्या करते हैं? क्वेश्चन आंसर। देखो ये अपने प्रश्न आज अपन करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर में जो भी था अपन पहले कर चुके हैं, आज अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है अपना? फर्स्ट क्वेश्चन, पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है अपना, तो क्या लिखेंगे अपन? बालक पंख होने पर क्या क्या करता है? क्या लिखा हुआ है? बालक पंख होने पर, बालक पंख होने पर क्या क्या करता? क्या क्या करता करता? बालक पंख होने पर क्या क्या करता है? बालक सोचता है ना कि अगर मेरे पंख होते तो मैं क्या करता? घूमता फिरता, बादलों पर घर बनाता, चांद को भी मैं क्या करता? पकड़ ले आता। तो बिल्कुल वही अपन को यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आप लिखो उत्तर। क्या लिखो? इसका उत्तर लिखो, बालक पंख होने पर, बालक पंख होने पर, बालक पंख होने पर घूमता बालक क्या करता? बालक पंख होने पर घूमता फिरता, आकाश में तारों से मिलता, आकाश में तारों से, आकाश में तारों से मिलता, आकाश में तारों से मिलता, बादलों पर क्या करता? अपना घर बनाता। बादलों पर बना घर बनाता बनाता
और क्या करता, चांद को भी पकड़ लाता। ये आपका इसका आंसर है। क्या है देखो, क्वेश्चन क्या है, बालक पंख होने पर क्या क्या करता। तो बालक पंख होने पर क्या करता, वो क्या सोचता है, उसके पंख होने पर वो क्या करता, वो बालक पंख होने पर घूमता फिरता, आकाश में तारों से मिलता, बादलों पर अपना घर बनाता और चांद को भी पकड़ लाता। और भी वो क्या बोलता है, बारिश होने पर क्या होता, पेड़ में छुप जाता, इंद्रधनुष को देख क्या होता, खुश होता, और सूरज को भी क्या होता, वो छुआता। ठीक है ना, आगे आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक अपना घर कहाँ बनाता। बालक बालक अपना घर कहाँ बालक अपना घर कहाँ बनाता। ये क्या है आपका क्वेश्चन है, इसका उत्तर क्या होगा, बालक अपना घर कहाँ बनाता, बादलों में। बालक अपना घर बादलों में बनाता, बादलों में अपना घर बनाता बनाता। देखो क्या दे रखा है, बालक अपना घर कहाँ बनाता, तो बादलों में अपना घर बनाता। कहाँ बनाता, बादलों में। कहाँ बनाता, बादलों में। नेक्स्ट देखो, गरीब सॉरी बारिश होने पर बालक कहाँ छिप जाता, क्वेश्चन क्या दे रखा है, बारिश होने पर बालक कहाँ छुपता, बारिश होने पर बालक, बारिश होने पर बालक कहाँ छिप जाता और क्यों। देखो क्या दे रहे हैं आपका क्वेश्चन, बारिश होने पर बालक कहाँ छिप जाता और क्यों छिप जाता। तो देखो इसका उत्तर देखो क्या होगा, बारिश होने पर बालक, बारिश होने पर बालक कहाँ छिपता, पेड़ पर। बारिश होने पर बालक पेड़ पर छुप बारिश होने पर बालक पेड़ पर छुप जाता और क्यों छुपता, इंद्रधनुष को देख खुश होता। वो क्यों का क्या होगा, इंद्रधनुष को देखने के लिए, इंद्रधनुष को देख बहुत बहुत खुश हो जाता है, इंद्रधनुष को देख बहुत खुश हो जाता। क्या करता बालक, देखो क्वेश्चन क्या आपका, बारिश होने पर बालक कहाँ छिप जाता और क्यों। तो देखो, बारिश होने पर बालक पेड़ पर छुप जाता और इंद्रधनुष को देख बहुत खुश हो जाता, इंद्रधनुष को देख बहुत खुश हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, क्या देखकर बालक खुश हो जाता, क्या देखकर बालक खुश हो
बालक पंख होने पर क्या क्या करता? तो बालक पंख होने पर घूमता फिरता आकाश में, तारों से मिलता, बादलों पर अपना घर बनाता और चांद को भी पकड़ लाता। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक अपना घर कहाँ बनाता? तो बादलों में अपना घर बनाता। कहाँ बनाता? बादलों में। उसके बाद नेक्स्ट देखो, बारिश होने पर बालक कहाँ छिप जाता और क्यों? तो देखो, बारिश होने पर बालक पेड़ पर छुप जाता और इंद्रधनुष को देख बहुत खुश होता। इंद्रधनुष को देख क्या करता? वो बहुत खुश होता। अब अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखकर बालक खुश हो जाता? देखो क्या दे रहा है, क्या देखकर बालक खुश हो जाता? इसका क्या आंसर होगा? इंद्रधनुष को देख बालक क्या होता? खुश हो जाता। इसका आंसर लिखो यहाँ पर, इंद्रधनुष को देख बालक खुश हो जाता। किसे देख के खुश हो जाता? इंद्रधनुष को देख क्या होता? बालक खुश हो जाता। आपका फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। अब अपन इसका नेक्स्ट चैप्टर है वो पढ़ेंगे इसकी अगली क्लास में। ये आपके क्वेश्चन आंसर है, आपको अपनी नोटबुक में अच्छी और सुंदर राइटिंग से इसको लिखना है। आज की अपनी क्लास यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू।